सौभाग्य की बात है कि हम लोग के जीवन में शिव को अपना गुरु मानने का यह अवसर प्रदान हुआ है। इस कालखंड के महामानव भैया श्री हरिद्रानंद जी के द्वारा, जिन्होंने एक एक व्यक्ति को उस सत्ता से जोड़ने का जो उन्होंने धीरा उठाया है, उसी का कोई नाम है कि हमारे इतने दूर दूर से हमारे भाई बहन इस पोखरी के पावन भूमि पर शिव गुरु की आध्यात्मिक चर्चा सुनने के लिए आए हैं। उनको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि सारे काम धंधा छोड़ करके उन्होंने इस कार्य को करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनके चरणों में नमन गुरु है और गुरु सदियों से अधिकार गुरु है और बहुत से शुभ किसी बने विद्या पल प्रति
सफल होती है दीदी। चर्चा का एक ही उद्देश्य है कि सभी भाई बहन, जितने भी हमारे भाई बहन जो नहीं बने हुए इस सत्ता से दूर करके सभी के दिलों में शिव को गुरु हो जाए, सभी लोग शिव को गुरु मान ले, इसी उद्देश्य के लिए हम लोग शिव गुरु की चर्चाएं लोगों के सामने करते हैं। इसीलिए हमको आपको उस सत्ता से जुड़ना होगा जिनकी दया से सृष्टि पूरे कंकन में शिव है, उन्हीं को गुरु मानना है। और इस कालखंड के महामानव भैया के द्वारा जो तीन काम मिला है उस काम को हम लोग करते रहे, निश्चित ही जीवन में गुरु की दया होगी और हो रही है, उसका परिणाम हम आप देख रहे हैं। इन्हीं वाणी को गुरु के चरणों में रखते हुए उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार है। चलिए गुरुदया से भैया ने बहुत सुंदर विचार रखे, आप सभी भाई बहन सुने ही हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य वही है कि एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव गुरु अवस्थित हो, सभी लोग सतगुरु शिव के शिष्य बने। चले गुरु दया से इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अक्षरा कुमारी गुरुवान जो स्थानीय गुरुवान है, और भावनी भूषण जो गुरुदया से दीदी मंचाशील होंगे महादेव की दया से, अक्षरा कुमारी गुरुवान और भावनी भूषण गुरुवान जो मंचाशील है, इनसे हम लोग सुनेंगे शिव तांडव। चले गुरुदया से दीदी मंचाशील हम लोग सुने।